हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने लेस को लिया है, इस लेस को हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी सामने की तरफ कढ़ाई है, आगे वाले पल्ले पर हमारी कढ़ाई आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेपर को इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने कुछ इस तरह से बिछा लिया है। फिर हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे, तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जिस साइज में हमारा गला बना हुआ है उसी साइज में हम यहाँ पर गले को बना लेते हैं, ठीक है। और गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे। और 1/2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमारा जो 1/2 इंच का मार्जिन है, वहाँ से छोड़ के सूट की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पर 32 इंच रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर हम 33 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और यहाँ से आर्मोल की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गुलाई कर देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे, तो सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 को आधा करेंगे तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक निशान 6 इंच पर लगाएंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पर 12 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ पर हम हिप की चौड़ाई 16 इंच रखेंगे, तो 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हम यहाँ पर 15 इंच रखेंगे, तो 15 को आधा करेंगे तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगे और साठ में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और नीचे से सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से कपड़े को लेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें बिल्कुल अच्छे से बिछा देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। और रखने के बाद हमें निशान लगाना है। तो आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है और साइड से हमें सेम निशान लगाना है, ठीक है। और आगे वाले पल्ले में हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है क्योंकि इसमें हम लेस को लगाएंगे। और पीछे वाले पल्ले पर हमने 2.5 इंच मार्जिन ज़्यादा लिया है क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हम इसको फोल्ड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरह से निशान लगा दिया है। इस पल्ले को हटा देंगे और कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गले की गोलाई करेंगे। गले की जो लंबाई है वो अपने हिसाब से भी रख सकती हैं। फिर हम यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से गले को रख लेना है, ठीक है। और जो हमारा गले का निशान है तो उसी निशान के ऊपर हमें अच्छे से कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी गले की पट्टी है वो हम 1 या 1.5 इंच चौड़ी रखेंगे, तो यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले की पट्टी भी कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर एक बार इसको और फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। और यहाँ से लंबाई नापेंगे, तो लंबाई हमारी 4 इंच है, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 8 इंच पर हम बाजू की चौड़ाई रखेंगे
और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। फिर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है। यहाँ पर हम हल्की सी गहराई देंगे, ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कट लगा देंगे और इतना ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो हिप की चौड़ाई हमारी 16 इंच है, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे, और कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे, और सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे, और इतने से तीनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा दिया है, और यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिलना सिखाएंगे। यहाँ पर हम गले पर भी निशान लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम यहाँ पर पल्ले को रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इस तरह से कट लगा देंगे, और यहाँ पर हम घुमाकर 1.5 इंच की पट्टी रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। इसको हम यहाँ पर उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है। इस तरह से हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेस को सिलेंगे इस तरह से। तो लेस को हमें सीधा रखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ हमने मार्जिन लिया है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लेस को रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक साइड से सिलाई को लगा लिया है, ऊपर की साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर की साइड भी सिलाई लगा दी है, और यहाँ पर मैंने गले की पट्टी में फोल्ड करके कुछ इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे सीधी साइड से और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, इसमें हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले गले को भी तैयार कर लिया है। इसकी सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे, और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से शोल्डर को सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड से सूट की फिटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी सूट की फिटिंग कर दी है, और इसमें मैंने साइड में कट भी लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर पीछे की साइड भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे, और जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो उतना हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तिरपाई करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से पीछे की साइड भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर चाक सिलेंगे। तो कपड़े को हम पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तिरपाई करना होगा, और अगर आप तिरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगानी है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी साइड भी चाक को सिल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड भी चाक को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है, बाजू में जो हमने मार्जिन लिया है तो उसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों बाजू में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पर हमारे जो कट है वो देखिए आमने सामने आए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए, और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए, और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से नाप की आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है, और इस तरह से मैंने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। पीछे की साइड हम इसमें डोरी भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डोरी को भी लगा लिया है, और इस तरह से हमारा कढ़ाई वाला सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।